हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यस, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी स्मॉल टॉपिक, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये आपने कुछ कुछ केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स को हम डायलेक्ट्रिक्स की तरह यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। द मॉलिक्यूल दैट आई हैव शोन यू हियर इज HCl मॉलिक्यूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है। दो एटम्स होते हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन थोड़ा सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो क्लोरीन इज स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज एंड हाइड्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल को मैं बोलती हूँ पोलर मॉलिक्यूल। इन पोलर मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डोंट कोइंसाइड विद ईच अदर। इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं करता, बिकॉज ऑफ विच ईच मॉलिक्यूल हैज सम नेट डायपोल मोमेंट। इसकी वजह से इनकी जो मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होती है एंड द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल इज HCl। इवन वाटर इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। सेकेंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इन दीज मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विद ईच अदर। इनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर सेपरेटेड नहीं है, कोई अलग सेपरेशन नहीं होता, क्योंकि दोनों एटम्स, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, दोनों एटम्स इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट नहीं होता जिससे पोलैरिटी डेवलप नहीं होती। सो द डायपोल मोमेंट ऑफ सच मॉलिक्यूल्स इज जीरो। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम डायलेक्ट्रिक्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। डायलेक्ट्रिक्स आर द कंडक्टिंग सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिक इंडक्शन टू टेक प्लेस थ्रू देम, बट दे डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू देम। ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं बट चार्जेस फ्लो नहीं करने देते, उनको हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक्स। दे आर सटली डिफरेंट फ्रॉम इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल्स हैं इनके एयर, ग्लास, माइका, डिस्टिल्ड वाटर। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। हेयर इन दिस वीडियो आई हैव शोन अ डायलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मैंने एक डायलेक्ट्रिक रखा हुआ है। नाउ कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। डायलेक्ट्रिक के अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं बट वो रैंडमली ओरिएंटेड हैं सच दैट द नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। कोई अगर डायपोल इस तरीके से ओरिएंटेड है तो कोई उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ताकि हमारी नेट डायपोल मोमेंट क्या हो, जीरो हो। बट जब हम इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, लेट सपोज लेफ्ट साइड वाली प्लेट पर मैंने चार्ज दिया पॉजिटिव इस तरीके से, तो इसके अंदर जो डायपोल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे सच दैट जो नेगेटिव चार्ज है वो टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स राइट हो जाएंगे। तो हम बल्क में देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो बल्क में ये सेपरेशन हमें ज्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम देखें सरफेस पे, तो हम देखेंगे कि यहां पर सरफेस पे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया है और इधर की राइट साइड वाली सरफेस पे डायलेक्ट्रिक पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया है। नाउ कंडक्टर्स में कुछ कुछ ऐसे ही होता है, बट उसके अंदर इंडक्शन होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है मैग्नीट्यूड में एज बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड। बट डायलेक्ट्रिक के केस में ऐसा नहीं होता।
लेट सपोज मैं बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ई नॉट वेक्टर से, तो अंदर जो पोलराइज्ड फील्ड डेवलप होगी, द फील्ड ऑफ पोलराइजेशन जो फील्ड डेवलप होगी उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ई पी वैक्टर से, एंड दिस ई पी इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ई नॉट वैक्टर। जब कंडक्टर्स के केस में अंदर जो फील्ड डेवलप होती है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फील्ड आउटसाइड, जिसकी वजह से नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। हियर ऑल्सो द नेट फील्ड विल बी गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ई नॉट वेक्टर एंड ई पी वेक्टर। बट ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड की बात करें अगर, देन इट विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, सिंस दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ वी नो कि जब इलेक्ट्रिक जब हमारे कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम नहीं होता, इट मीन्स देर इज वैक्यूम, देन ई नॉट इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सर्फेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स एंड एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एंड इफ देर इज अ डायलैक्ट्रिक मीडियम देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन विल बी गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज वैक्यूम, सो आई कैन राइट ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय के। सो इफ आई पुट इट ओवर हियर इन दिस एक्सप्रेशन आई गेट ई नॉट माइनस ई पी इज इक्वल टू ई नॉट बाय के। सो इन अ डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस नेट डायपोल मोमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरियंटिंग द मॉलिक्यूल्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड बट डज नॉट एग्जैक्टली कैंसिल इट, एज अ रिजल्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड। हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है रिड्यूस हो जाती है इस वजह से, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई नॉट बाय के, वेयर ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, और के है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जितना ज्यादा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा उतनी ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन से मैं एक चीज बता सकती हूँ कि अगर मैं कैपेसिटर के अंदर जब मीडियम नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं, तो डायलेक्ट्रिक मीडियम जब इंट्रोड्यूस करूंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में। पर हर एक डायलेक्ट्रिक मीडियम की एक ना एक कैपेसिटी होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा वो विदस्टैंड नहीं कर सकता, जिसे हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डायलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन हो गया देन इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, वी डोंट वॉन्ट दैट। अगर हम उससे चाहते हैं कि वो डायलेक्ट्रिक की तरह ही बिहेव करें, वी नीड टू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड टू इट्स डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अप टू इट्स डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से अगर हम आगे निकल गए तो वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। सिग्निफिकेंस क्या है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का? दिस सिग्निफाइज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच द डायलेक्ट्रिक कैन सेफली प्ले इट्स रोल। मतलब मैक्सिमम वैल्यू हम इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बता सकते हैं जिस वैल्यू तक हमारा डायलेक्ट्रिक ठीक से काम करेगा। एयर के लिए डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, एंड वैक्यूम के लिए डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इन्फिनिटी। सो आई होप दिस टॉपिक ऑफ डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट टू वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैपेसिटेंस व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब एंड अ डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जब हम कंडक्टिंग स्लैब या डायलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।